नमस्कार साथियों, जिन साथियों का सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में हो गया है उन साथियों का जो मेडिकल है वो चल रहा है इस समय, तो मेडिकल चल रहा है तो मैं सभी जो भी इस ग्रुप डी में सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो कम से कम 4-5 दिन या 8 दिन तक का समय लेकर ही जाएं और इतना कुछ पैसा आपके पास होना चाहिए जिससे आप अपना खर्चा उठा सकें। चूँकि जो अभी मैं बता दूं आपको कि जो मुंबई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो 1 दिन पूरा समय लगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम से कम ये समझो कि शाम को रात में जो 8 या 9 बजे तक पूरा ख़त्म हुआ। अच्छा, क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मैं वो आपको दिखा दूँ। सबसे पहली कंडीशन ये है कि यदि आपका जो फॉर्म भरा हुआ है उसमें सारी जो कंडीशन भरी है, आपने नाम, पिता का नाम या पता, एड्रेस या सारी चीज़ें एजुकेशन संबंधी, वो गलत नहीं होनी चाहिए। यानी यदि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो रेलवे के फॉर्मेट में होना चाहिए, या आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है रेलवे के फॉर्मेट में होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड आप बिल्कुल ज़रूर लाएँ, ये बिल्कुल ज़रूरत में है और बिल्कुल नहीं मानते हैं ये सारी चीज़ें। और ओबीसी का फॉर्मेट और सेंट्रल का होना चाहिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी उसमें लिखा होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और क्रिमिनलियर और नॉन क्रिमिनलियर, ये सारी कंडीशनें होनी चाहिए। तो ये मुंबई में अभी चल रहा है। मुंबई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद तुरंत आपके लिए एक स्लिप दी जाएगी, उस स्लिप को लेकर हमें जाना है नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर, और रेलवे स्टेशन से आपको एक टिकट 24 रुपये का मेडिकल के लिए कटता है तो वो लेकर आना है। ये मुंबई का ही नहीं बल्कि सभी जगह, चाहे अहमदाबाद जोन हो चाहे इलाहाबाद हो, सभी जगह का यही है। तो मैं इलाहाबाद के बारे में ही बताऊँगा, वो जो टिकट कटी हुई है 24 रुपये की रेलवे स्टेशन से, वो आपको लेके आनी है और जमा करेंगे तो वो आपको मेडिकल का एक लिफाफा दे देंगे। जैसे ही आपको मेडिकल का लिफाफा है तो वो मेडिकल का लिफाफा जो आपको है वो जो भी मेडिकल आपको दिया जाता है कि इस हॉस्पिटल में आपको जाना है, तो जैसे मुंबई में भई कल्ला है या यहाँ पर दूसरा जो कल्याण जंक्शन है उसके पास है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जाके हमें लिफाफा ओपन नहीं करना है, वो लिफाफा जाके वहाँ जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनके हाथ में देना है। वो डॉक्टर्स आपका लिफाफा फाड़ेंगे, उसके बाद आपको देखेंगे और देखने के बाद आप जानकारी ली जाएगी, डॉक्यूमेंट फिर से वहाँ भी चेक कर लिए जाएंगे। फिर आपको बारी बारी से पहले आपका ईसीजी कराएंगे, आपका एक्सरे कराया जाएगा। एक्सरे ईसीजी होने के बाद आपका जो भी संबंधित जैसे आई टेस्ट है, आई विजन, तो आई विजन लिया जाएगा। फिर आई विजन लेने के बाद ये कंडीशन लगभग हो सकता है 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, और किसी की अफवाह पे मत जाइए। और ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको 3 से 4 दिन या 5 दिन में 6 दिन में आराम से किसी भी डॉक्टर से आप झगड़ा नहीं करेंगे, आराम से डॉक्टर से अपना जो भी सही चीज़ है वो लिखा लें, वो लिख देंगे आपको। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अफवाह फैलाता है झूठी कि पैसा चलता कुछ चलता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं बिल्कुल भी। किसी भी डॉक्टर से आप झगड़ा ना करें और आराम से आप अपना जो लास्ट में आपको या तो लेटर दे दिया जाएगा या फिर आपको एक नंबर दे दिया जाएगा कि आपकी इस नंबर की फ़ाइल है, तो ये फ़ाइल बनती है, ये कंडीशन है। और अब मैं बताता हूँ कि चुनाव की वजह से अभी 2 दिन के लिए मुंबई में रोक दिया गया है। एक तो संडे था और 29 तारीख को मतदान होना है, तो मतदान की वजह से जैसे ही ट्यूसडे आता है तो उसमें लोगों का जो ग्रुप डी का है वो शुरुआत का उनको निपटा दिया जाएगा। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो ये इलाहाबाद में चल रहा है तो चुनाव की वजह से अब 30 को होगा रेलवे ग्रुप डी का मेडिकल, तो 29 को कानपुर और झांसी में मतदान की वजह से लिया गया निर्णय, तो ये महत्वपूर्ण खबर है। आप देख रहे होंगे कि प्रयागराज जो इलाहाबाद है वहाँ की रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थियों का कानपुर और झांसी स्थित रेलवे चिकित्सालय में होने वाला मेडिकल 29 अप्रैल को चुनाव की वजह से स्थगित कर दिया गया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का मेडिकल अब 30 अप्रैल को, जो दिव्यांग हैं यानी विकलांग हैं उनका जो मेडिकल है वो मेडिकल सर्टिफिकेट रेलवे के फॉर्मेट में होना चाहिए और 30 तारीख को होगा। वहीं दूसरी ओर रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी के प्रयागराज कार्यालय में शनिवार को कुल 52 दिव्यांग अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पहुँचे थे। कुल 75 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, यानी 75 अभ्यर्थी आए हुए हैं। और मैं बता दूँ आपको कि जैसे अभ्यर्थी कैंडिडेट आते हैं यदि उनके डॉक्यूमेंट में कोई गलती रहती है तो रेलवे वाले जो हैं
कर्मचारी या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं वो आपको पेंडिंग में डालेंगे। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं कहेंगे और ये कहेंगे कि 10 या 20 दिन के अंदर आप OBC का जो फॉर्मेट में सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको बनवा के लाने का, या फिर सीधी सी बात कि वो आपसे कहेंगे कि आप या तो नोटरी या शपथ पत्र लेके आइए। रेलवे ग्रुप डी के 4760 पदों के लिए पिछले दिनों हुई सारे जो दक्षता परीक्षा यानी PET को क्वालिफाई कर चुके अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुक्रवार से शुरू हुआ है और शुक्रवार और शनिवार को 75-75 दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनको बुलाया गया। दोनों ही दिन 52-52 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँचे। अब इनका मेडिकल प्रयागराज स्थित झांसी कानपुर आगरा आदि स्थित रेलवे चिकित्सालय जो होते हैं रेलवे के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ होगा। पहले दिन 29 अप्रैल को मेडिकल होना था लेकिन कानपुर और झांसी में लोकसभा चुनाव के मतदान की वजह से जिन अभ्यर्थियों को मेडिकल संबंधित शहरों में होना था वह अब 30 अप्रैल को होगा। RRC चेयरमैन विवेक प्रकाश के मुताबिक प्रयागराज और आगरा में जिन अभ्यर्थियों का मेडिकल होना है वह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। तो ये महत्वपूर्ण खबर है रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी, और रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी प्रत्येक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक और कमेंट जरूर करें।